नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पत्रकार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने राजीव गांधी द्वारा लाए गए दल बदल कानून पर सवाल खड़े किए और कहा कि राजीव गांधी कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं, वो एक पायलट थे जिन्होंने अपने समय में जो दल बदल कानून बनाया उससे एक बीमारी का इलाज हुआ, लेकिन 50 बीमारियां और खड़ी हो गई। आगे देखिए अर्थ प्रकाश की विशेष रिपोर्ट। हमारे बीच में श्री परवीन मौत कार्यक्रम के बाद शिखर हमारे मंच के माध्यम से अपना हमें जहाँ आशीर्वाद दें, हमें शुभकामनाएं तथा अपना हमारे जो समस्याएं हमने रखी उन पर भी वो गौर करें। आदरणीय अनिल भी हमारे बीच में श्री परवीन मौत कार्यक्रम के बाद शिखर हमारे मंच के माध्यम से अपना हमें जहाँ आशीर्वाद दें, हमें शुभकामनाएं तथा अपना हमारे जो समस्याएं हमने रखी उन पर भी वो गौर करें। आदरणीय अनिल भी श्री अरुण गोयल जी जो कि यहाँ पर एक बिजनेसमैन हैं, हमेशा किसी भी कार्य हो सेवा का कभी पीछे नहीं हटते। श्री राजेंद्र गोयल जी जो कि उद्योगपति हैं और समाज सेवा में अग्रणी हैं, उनसे निवेदन करना भी हुई मंच पर आए हैं। संत समाज की उपाधि मिली है स्वामी राजेश्वरानंद जी से कि वो मंच पर आए। आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा जी को। प्रवीण मल्होत्रा जी पानीपत से हैं लेकिन आए नहीं। ये समाज सेवा में हरियाणा के कुछ लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं, उनके बेटे शिवम तथा कुछ प्रजातांत्रिक पार्टियां हैं जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की, कुछ पारिवारिक पार्टियां हैं, कुछ गैंग्स हैं जो देश को लूटने के लिए उन्होंने बना रखी। आज अगर हम गौर करें, और आप तो गौर करते हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं, सारे देश विदेश की घटनाओं का आप ध्यान रखते हैं, परंतु हमारे प्रजातांत्रिक ढांचे का कहीं पर ढांचा हिल रहा है, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं प्रजातांत्रिक, ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं, गैंग्स हैं, इनमें प्रजातंत्र का कोई मूल्य नहीं। और अधिक से अधिक तानाशाही पूर्वक रवैये से सरकारों को चलाया जा रहा है, और विशेष तौर से राजीव गांधी जी के समय से, जब उन्होंने पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट को तब्दील करके जो दल बदल होता था उसको खत्म करने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया, उसके बाद मुख्यमंत्री ज्यादा तानाशाह हो गए। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ चेक एंड बैलेंस एट एवरी स्टेज, देयर इज अ चेक एंड बैलेंस, इफ इट डिस्टर्ब्स देन देयर इज नो डेमोक्रेसी। अब राजीव गांधी जी ने, अब वो पॉलिटिकल तो थे नहीं, एक पायलट थे, तो उनको राजनीतिक किसी एक्शन की क्या क्रिया जो प्रतिक्रिया होगी
उनको एहसास नहीं था। मैंने माना कि उन्होंने एक बीमारी का इलाज किया, दल बदल का इलाज किया, परंतु उसके साथ 50 बीमारियां और खड़ी। आज लोगों की जो सोच है, जो जरूरतें हैं, आज वो सरकारों में जाकर उनकी सोच को पहुंचा नहीं सकती। पहले मुख्यमंत्री विधायकों से पूछकर सोते थे, पूछकर। आज क्योंकि बात बात पर विप जारी होता है, बात बात पर अगर आपका किसी विषय में मत अलग है तो आप व्यक्त नहीं कर सकते। जो विप जारी होगा वही आपको वहां पर बोलना पड़ेगा, उसी पर ही आपको हाथ खड़ा करना पड़ेगा। देयर इज डेमोक्रेसी, वेयर इज डेमोक्रेसी। आप लोगों को, क्योंकि आप इस प्रजातंत्र के प्रहरी हैं और मैं समझता हूं कि आपके हाथ में छड़ी भी है और आपकी छड़ी से सब डरते। आपको इस प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, सहेजने के लिए, इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलते रहने के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। पार्टियां और नेता तो आपस में मिल भी सकते, उस चीजों पर मिट्टी भी डाल सकते हैं ताकि जो है वास्तव में वो लोगों को नजर ना आए। परंतु मीडिया एक आईना है, उसको जो दिखता है वो दिखाना है, लोगों के सामने वो रखना है, पेंटेड नहीं रखना। कई बार तो जो कुछ परोसा जाता है वो वास्तविकता में कहीं नजर नहीं आ रहा होता, कहीं पर नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन परोसा जाता है, बताया जाता है, लेकिन उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का दायित्व आपका है कि ये नहीं ये है। सत्ता पक्ष कुछ कह रहा है पर जो सच्चाई है आप बताइए, विपक्ष कुछ कह रहा है जो सच्चाई है आप बताइए, क्योंकि समाचार पत्र में वही दिखना चाहिए जो हम अपनी नंगी आंखों से संसार में, देश में घूमकर देखते हैं। और इसका नाम भी न्यूज रखा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चार दिशाओं का जो समाचार है, क्योंकि हर आदमी हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप आपके अपने तंत्र के माध्यम से सब जगह तक पहुंचकर सारा निचोड़ निकालकर आप लोगों के सामने रख सकते हैं। बहुत बड़ी दायित्व है, अभी प्रहरी हैं। पक्ष विपक्ष तो अपने हितों के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम करने का दायित्व आपके ऊपर है, आपके ऊपर है उसका दायित्व कि वास्तविकता क्या, व्हाट इज व्हाट, व्हाट फॉर इज मीडिया टू शो व्हाट इज व्हाट। अच्छा है अच्छा दिखाओ, बुरा है बुरा दिखाओ, अगर कोई अच्छा काम करता है उसको भी दिखाओ, अगर कोई बुरा काम करता है उसको भी दिखाओ, दोनों चीजों को दिखाओ। कुछ चाहे व्यापारिक कारण हो,
चाहे पॉलिटिकल कारण हो, कुछ समाचार आप भी सब जानते हैं वो इधर या उधर ट्रीट होते हैं। उन्होंने एक ही मूड की चीजें दिखानी है, दूसरे मूड की नहीं दिखानी है। वो सोचते हैं कि शायद इससे हमारे समाचार को या मीडिया को, चैनल को इससे लाभ होता होगा, पर इससे लाभ नहीं होता। लोग 2-4-6 बार देख के वो कहते हैं ये तो इसका भोपू है, दूसरा चैनल। दूसरे चैनल हो सकता है उनकी व्यापारिक जिम्मेवारियां हों, मजबूरियां हों, लेकिन इससे हमारा प्रजातंत्र आहत होता है, जख्मी हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। दायित्व आपके ऊपर है, आपके ऊपर, क्योंकि आप इन दोनों को सीधा करके रख सकते हो, दोनों। इसलिए आपने ये संस्था बनाई, बहुत अच्छी बात है। यह बात रखते हुए कहा कि 2014 में चुनाव हुआ, मेरे घर आए हुए थे उस वक्त, और इन्होंने पूछा कि सारे तो दिल्ली गए हुए हैं, आप यहां पर क्यों हैं? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लेना, मैंने अपनी जिंदगी में किसी से कभी कुछ नहीं कहा, मैंने एमसी की टिकट भी नहीं मांगी, मैंने विधायक की टिकट भी नहीं मांगी। 1990 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा तो मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती मुझे चुनाव लड़ाया। सारे लोग टिकट प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं और मेरा परिवार कि मुझे टिकट ना दी जाए इसीलिए संघर्ष कर, लेकिन क्योंकि मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, मैं विद्यार्थी परिषद से 70-71 से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, मैं पार्टी के कई संगठनों के अध्यक्ष भी था मेरे पास, मैं उनमें काम करता था, पार्टी को लगता था, क्योंकि वो जमाना आप याद करो जब 1990 का चुनाव हुआ तो ग्रीन ब्रिगेड का टाइम था, महम का चुनाव हो गया था और भाजपा इनेलो से अलग होकर की थी, चैलेंज बाजी थी। आई डोंट नो, मुझे मेरी लीडरशिप ने नीचे से लेके मुझे जीजी से निकाल, मैंने कहा नहीं, ऊपर तक उन्होंने कहा अनिल भी आपको चुनाव लड़ना, तो मेरे पास बाकी जो उम्मीदवार थे वो अपना नाम रिकमेंड करवाने आते थे, मैं उनका नाम रिकमेंड कर देता था, मैं बोलता था कि आप इनको दे दिए, वो मेरे से लड़ने लग जाते। और अंत में आखिर दिन मुझे आदेश दिया गया कि आपकी सारी बातें सुन ली, इस्तीफा दो नौकरी से और चुनाव लड़ो। मैं लड़ा और मैं वो जीता। मैंने अपनी जिंदगी में आई डू नॉट नो अबाउट अदर्स, आई डू नॉट नो आल्सो दे व्हाट थिंक अबाउट मी, बट मैंने अपनी जिंदगी में ये असूल बनाया हुआ है कि डिजर्व डोंट डिजायर, डोंट डिजायर एनीथिंग। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैंने आज तक किसी के आगे जाके कभी मेरे कुछ मांगा नहीं है, पार्टी जहां खड़ा कर देती है मैं काम करता। और अगर आपको याद होगा कि जब पहली बार हमारी खालस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने लगी, जैसे कौशल जी ने कहा, ऐसे ही एक मीडिया के मित्र अपना वीडियो मशीन लेकर, अपना कैमरा लेकर मेरे पास आए, उन्होंने कहा, उन्होंने भी यही प्रश्न किया कि आप क्यों नहीं जा। मैंने कहा हमारा तो ख्वाब ये था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी खालस सरकार बने, उसके लिए जो कर सकते थे हमने किया। आज मुझे इस सरकार में
जहां खड़ा करते हैं मैं वहीं से छक्के मारता हूं। पर मैं समझता हूं मैंने काफी हद तक किया, अभी और भी करूंगा। आपने एक बहुत लंबा चौड़ा मांग पत्र भी मेरे सामने रखा है, ठीक है रखना चाहिए, आपका जो भी पाते हैं रखनी चाहिए। इनमें से कुछ बातों पर, जैसे आपके मेडिकल की बात है, तो मैंने ही लिखकर वो सरकार के पास भेजा हुआ है कि पत्रकार साथियों को भी कर्मचारियों के बराबर ही मेडिकल का बेनिफिट दिया जाता है। दैट इज अंडर कंसीडरेशन इन द गवर्नमेंट, वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स ऑन दिस एंड आई थिंक इट विल गेट थ्रू, आई थिंक। बट क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने करना है तो मुझे वो एजेंडे में है हमारे, जो काम हमने करने हैं जो पेंडिंग है उसमें लिखा हुआ है। एक आपने बात बताई कि आपको भजनलाल के राज में कोई प्लॉट व्लॉट हुआ था, आपने पैसे भी जमा करा दिए, तो मित्रों मेरे से अच्छा कोई वकील नहीं है। आई विल फाइट फॉर यू, आप उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप मुझे ला के दीजिए, मैं उसके लिए लड़ूंगा। और भी जो मांगे आपने मेरे को दिए, आई विल वर्क ऑन ऑल द डिमांड्स ऑफ, आई विल वर्क, सरकार से मैं वो मंजूर कराने की कोशिश करूंगा। आपने ये नया संगठन शुरू किया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।